दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, मैंने खुंडी ट्रैक में जाना है, मतलब खुंडी माता ट्रैक। और मैं और अबू जो है घर से निकल चुके हैं, सारा सामान पिछले से पैक हो चुका है, हमारा बैग बुग हर चीज हमने जो मतलब ए टू जेड यहाँ पे पैक कर लिए, और यहाँ से हम निकल रहे हैं, घर से अभी निकले हैं। और अब हम जो है सुनील भाई को उठाएंगे, हिमालयन ट्रैकर को, जो कि हमें साहू मिलेंगे। तो चलिए आपको रास्ते का व्यू दिखाता हूँ, अभी बहुत लंबा सफर होने वाला है और आपको दो तीन ब्लॉग्स तो देखने को मिल जाएंगे। तो सुनील भाई भी आ रहे हैं नीचे से। हेलो, so दोस्तों अभी हम जो है काकड़ेड़ नामक स्थान पे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अबू भाई भी साथ में, आप वेट कर रहे हैं हम सुनील भाई का, जो कि यहाँ से निकलने वाले हैं। तो यहाँ का व्यू देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मस्त है। हमारा पहला पड़ाव है यहाँ पे पहुंची, अभी हमने एक गाड़ी यहाँ पे लगाई है, और गाड़ी हमारी कुर्ता लगेगी ना, कुर्ता हम गाड़ी लगाएंगे, वहां से हम अपना पहला कदम स्टार्ट करेंगे। और हमारे सुनील भाई सुनील भाई भी आ चुके हैं, सुनील भाई भी आ चुके हैं। हेलो यार, जान बड़ी बनाई ली यार, जा थक गया यार। और बढ़िया 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 बढ़िया, गुड मॉर्निंग। बस यार आप बताओ, बस बढ़िया। तो बस यहां से हम निकलने वाले हैं, जगह नाम के काकड़ेड़, जगह नाम के काकड़ेड़। हाँ, और सुनील भाई घर प्रोगा वहाँ पे, ऊपर देखो पहाड़ी में ऊपर घर है इसका। यार मैं ना वहाँ से दौड़ता हुआ आया, वहाँ पे उस पहाड़ी पे मेरा वहाँ से यहाँ हुआ, और भाई साहब ने गाड़ी यहाँ पे लगाई हुई है ताकि मैं थोड़ा और चल। चलो कोई नहीं कोई नहीं, चलो निकलते हैं अब यहाँ से ना। हमने कहाँ से पैदल चढ़ाई कहाँ शुरू होगी, पैदल कुर्ता से ना, तो चलो कुर्ता ले ली सारा ना। तो हमने यहाँ पे सामान वगैरह ले लिया है, खाने पीने का कुछ, और यहाँ से हम बस गाड़ी से सामान निकालेंगे, बैग वगैरह निकालने वाले, और यहाँ से अब हमारी जर्नी जो है मेन जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और हमारे हिमालयन ट्रैक का जो है यहाँ पे वीडियो शूट करने में मस्त हो गए हैं। तो बस यहाँ से हम सामान निकालने वाले और निकलने वाले। चाबी रुक जा, चाबी चाबी कहाँ चलेगी, ये ले, बढ़िया जगह गाड़ी गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, काफ़ी अच्छी जगह देख सकते हो। तो फाइनली हम जो सभी तैयार हो चुके हैं जर्नी के लिए, अबू भाई भी तैयार है, हमारे हिमालयन ट्रैकर भी यहाँ पे बस निकल रहे। रास्ता कौन सा है, यहाँ से जाएंगे, ये दोनों रास्ते हैं ना। अच्छा, बट यहाँ पे तुमने मैच राइड हुआ है यहाँ पे। अच्छा, तो अच्छा, यहाँ से जुड़ते हैं। नहीं पूछा वहाँ पे, पूछा यहाँ पे पूछ लेते ऊपर, चलो यहाँ पे है ना। हाँ चलो यहाँ से निकलते फिर। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं धार, और यहाँ का आप व्यू देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा कमाल का व्यू है यहाँ का। अभी हम ऊपर जो आपको लास्ट पहाड़ी दिख रही है ना, इससे भी ऊपर जाना है हमने। बाकी आगे जो है हमारे सुनील भाई और अबू भाई चल रहे हैं, और हाय कर दो भाई। बैग, हाँ बैग तो थोड़ा सा लाइट वेट लग रहा है, मेरे को लग रहा है कुछ प्लेन है। हाँ प्लेन है, हाँ प्लेन में खड़ी चढ़ाई थी पहले ना। यहाँ पे आप हालत देख सकते हैं, पसीना ही पसीना पड़ा हुआ है, और बैग की हालत पीछे जैसे कि खच्चर नहीं होता, खच्चर वो वाला हिसाब है पीछे, और खच्चर ना दे खच्चर, ठीक है। और व्यू तो आप देख ही रहे हो, बहुत ही मज़ेदार गाइस। तो हम जो है अभी 4 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं, तो अब तो हालत ख़राब हो चुकी है कसम से, क्योंकि इतना मैं कभी चला नहीं आज तक, और बहुत ही मतलब कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब दिख रही है अभी। एक तो इतना भारा बैग लिया पीठ में, आगे हमारे सांस ले लो भाई। तो यहाँ का व्यू तो आप देखो कितनी ज़्यादा हाइट में यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम, और अबू भाई थोड़ी सांस भी ले लो यार, यार कसम से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो व्यू यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। अभी ना हमें वहाँ पे जाना, वो ऊपर हिल वो दिख रही है ना, हाँ ये हिल पॉइंट पे। हाँ हिल पे कौन सी जगह पे, जूम कर लेता हूँ, बस इस पॉइंट पे जाना है। अरे यार सब कुछ ब्लैक ही दिख रहा है। कौन सी,
यहाँ पे जाना है। ये छत, हाँ ये छत दिख रही है, तो सोच लो यहाँ पे हम, हमने यहाँ पे पहुँचना है। हाँ यहाँ पे हम ना नेक्स्ट रेस्ट लेंगे। हाँ चलो देखते हैं, बाकी ऊपर इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, बस आपने जुड़े रहना है हमारे ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं अखौड़ू नामक स्थान पे, और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। मैं आपको 360 डिग्री में यहाँ पे आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। 360 बोलते हैं ना, हेलो 360 डिग्री ना मैं तो कर रहा हूँ यार शूट आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? मेरा सिक्स टाइम है, आप बताओ यार। मेरा फर्स्ट टाइम है, जो मजा फर्स्ट टाइम है वो सिक्स टाइम में नहीं है, क्या बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल, पूछ लो बेशक। बिल्कुल, जो मजा फर्स्ट टाइम है ना वो सिक्स टाइम में नहीं है। वो देखो आप, मेरे को, मैं बोल रहा हूँ ना बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और अबू भाई ने अपना तौलिया भी साथ में रखा हुआ है, और व्यू तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग अमेजिंग। मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाऊंगा अभी जस्ट, तो वो कौन सी चीज है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए। मौसम बहुत, दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, मैं आपको एक नई चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो वो कौन सी है? ये गोचो है सामने। हाँ ये झरना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे जूम करूँगा, ठीक है? कहाँ चला गया? अच्छा ये है, तो ये जो आप झरना देख रहे हो ना यहाँ पे, ये है गोचो। हाँ गोचो, गोचो झरना है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं, और बहुत ही रेयर है, और यहाँ पे सड़क वगैरह भी नहीं आती जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे बिल्कुल पैदल पैदल आना पड़ता है यहाँ पे, और जात्र भी आ रही नीचे से जैसे कि आप देख सकते हो, और बहुत ही रेयर जगह ये, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग आते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे साल में एक बार, वो भी मौसम ठीक हुआ तब, अगर मौसम ख़राब हुआ, जैसे कि मौसम ठीक था तो सभी लोग आ गए, लेकिन मौसम ख़राब होता था कोई भी यहाँ पे बंदा आपको देखने को नहीं मिलना था, ठीक है? तो भाई साहब यहाँ पे आ चुके हैं, तो कैसे जम्मू जरा दिखाना, कैसे होता है जम्मू? क्या बात है, क्या बात है, देख सकते हो आप, क्या बोलते हैं जम्मू, दोस्तों अभी हम द्रमन में पहुंच चुके हैं, और यहाँ का पेड़ का तना काट के यहाँ पे देखते हो पानी को रोका गया यहाँ पे, और पानी बिल्कुल भी यहाँ पे लीक नहीं हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। पेड़ का तना यहाँ पे काटा हुआ पूरा, मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दो पीस लगाए गए हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक पूरा पेड़, 30 बंदे लगे थे यहाँ पे, पूरा पेड़ यहाँ बीच से काटा गया है, मतलब बीच से निकाला गया है, खरोता गया है, खरोंच खरोंच के मतलब कि बनाया गया है। जैसे भी है ना, तो यहाँ पे आते रहते हैं, और ऑब्वियसली बात है पशुओं को पानी पिलाना होता है, तो अभी धुंध पड़ चुकी है चारों तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और तो यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, और हम बस पहुँचने वाले हैं इस पे कधार, और सभी ने अपने बैग को जो यहाँ पे रेन कवर लगा लिया है, और मैंने भी लगा लिया, सुनील भाई ने भी लगा लिया, ताकि बैग गीला ना हो जाए, क्योंकि बैग में हमने ऐसा मतलब कंबल वगैरह डाले हैं, कहीं वो गीले हो गए तो रात को सोना कैसे हमने, क्या बोलते हो भाई? हमने पहले अपना सेफ्टी देखनी है, क्या बोलते हैं? सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी, देखो सेफ्टी देखनी है हमने पहले। मैंने भी रेन कवर यहाँ पे लगा लिया अपने बैग पे वगैरह, सामान वगैरह डाला है, वो गीला ना हो जाए। और बारिश यहाँ पे शुरू हो गई, वैसे ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन आगे पता शायद रुक जाए, अगर रुक जाए तो बेल एंड बेटर, अगर नहीं रुकी तो टेंट लगाना पड़ेगा, और टेंट के अंदर सोना पड़ेगा आराम से। ठंड तो काफ़ी हो गई यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट में यहाँ पे पहुँच चुके हम, और आग आप दे मौसम देख सकते हो आप, मतलब कि ओसम मौसम, ओसम बोलते हैं ना, बिल्कुल ठंडा कूल। तो अभी हम जो है कहाँ पे पहुँचने वाले हैं? जो गला का जो बॉटम पॉइंट है ना, कौन सा गला? जो ग्लोंद गला है ना, उसके अच्छा, चलो वहाँ पूछ के वहाँ पहुँचते हैं, फिर करते हैं ना नेक्स्ट ब्लॉग्स। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम चढ़ाई लगाने के बाद जो है अभी हम जो है, कौन सा गला है यार ये अबू, कौन सा गला है ये? हाँ ग्लोंद गला, यहाँ पहुँच चुके हैं, तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, अल्टीमेट व्यू। तो यहाँ पे टेंट लगा के, मतलब यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, और व्यू तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, धुंध पड़ी है और ठंड काफ़ी है, तो चारों तरफ आप देखो, और ये टी शर्ट में चल रहा है जिसको ठंड नहीं लग रही, और ये वाला रास्ता है, मतलब और हमारे सुनील भाई तो बिल्कुल ही मस्त हो चुके हैं ब्लॉग बनाने में, तो बढ़िया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो रात को
काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे, यहाँ पहुँचे हम स्पेकाधार और अभी उठे हैं, जस्ट धूप लगी है वरना बहुत ज़्यादा ठंड थी रात को। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू है, बहुत ही कमाल का। तो फर्स्ट डे का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, अपने नेक्स्ट डे का ब्लॉग आपने ज़रूर देखना है, तो बने रहना मेरे चैनल साथ। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।